Tayo! Click here to subscribe! मैं जाऊंगा खदान में। खिली हुई धूप के साथ सुबह हो रही है। ये आया टीटीपो। गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। हेलो टीटीपो, आज तुम्हारी छुट्टी है। मुझे पता है आज मुझे काम नहीं करना। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? क्यों नहीं, जाकर खेलो। वाह, मजा आएगा। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाहर आकर कितना अच्छा लगता है। ओ, डीजल। ओ, हेलो डीजल। ओ, हेलो टीटीपो, कैसे हो? तुम कहाँ जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है इसलिए बाहर खेलने आ गया। मुझे खदान में जाना है कुछ पत्थर लाने के लिए। क्या खदान में? खदान क्या होती है? वहाँ पर पत्थर निकालते हैं और मेरा काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। हाँ, तुम भी चलना चाहते हो? क्या मैं आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ तुम भी। ओ, मेरे लिए रुको। टीटीपो डीजल के पीछे पीछे क्वारी यानी खदान में गया। डीजल, अभी और कितनी दूर जाना है? बस पहुँचने वाले हैं। तुम हर बार यही कहती हो लेकिन हम चलते ही जा रहे हैं। सब्र रखो मेरे दोस्त। हे, वो रही खदान। वाह, कमाल की जगह है। जरा संभाल के, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो कहा ही था मैंने तुमसे। हे डीजल, कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा काम पूरा हुआ, तुमसे बाद में मिलता हूँ दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना अपना तुम। यहाँ से ये चट्टानें निकाल कर मशीन में डाल देते हैं, फिर वो बड़ी चट्टानें मशीन में टूट कर छोटे पत्थर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर वो छोटे पत्थर हमारे डब्बों में भर दिए जाते हैं ले जाने के लिए। ये सब कितना कमाल का है। पहाड़ तो टूट रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो डीजल। तुम डरो मत, वो विस्फोट कर रहे हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए। ओ, अब समझा। डीजल, अपना नंबर तुम्हारा। ठीक है, यही इंतजार करो। ठीक है। डीजल खदान पर पहुँच गया है। डीजल हाजिर है। ठीक है, अपनी जगह पे आ जाओ। ठीक है, अब पहुंच गया। लोडिंग के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पूरा भर गया हूँ। डीजल। चलो चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम इसे खींच लोगे? ये तो सभी मालगाड़ियों के लिए आम बात है। क्या सच में? बिल्कुल, उस तरफ देखो। ओ, ओ, तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत मजबूत है। हाँ, सही कहा। एक, दो, तीन, चार, मालगाड़ी आ गई है। हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए। क्या ये हमेशा ऐसे ही गाते हैं? हाँ, काम करते हुए गाना गाने में मजा आता है। मुझे भी ये गाना आता है। 1, 2, 3, 4 बढ़े चलो, बढ़े चलो। 1, 2, 3, 4 बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 1, 2, 3, 4 मालगाड़ी आ गई यार। हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। ये बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, कमाल की बात है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 1, 2, 3, 4 मालगाड़ी आ। तो तुमको खदान में आकर कैसा लगा? मुझे सच में बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ मैं खदान में काम करूँ। शायद तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया गया। क्यों? मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा। टीटीपो, टीटीपो।
अगले दिन सुबह टीटीपो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। काम शुरू। हम अब चलते हैं। हेलो मिस्टर हब। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग टीटीपो। तुम पर इतनी सारी धूल क्यों लगी है? तुम्हें हमेशा खुद को साफ रखना चाहिए। लेकिन धूल में तो मैं अच्छा लगता हूँ। इस समय तो मुझे काम पर जाना है, तो वापस आकर मैं खुद को धो लूंगा। मुझे पता है तुम्हें अभी जाना है, लेकिन अगली बार अपने आप को साफ करके आना। ठीक है, फिर मिलते हैं मिस्टर हब। कल जो वो मालगाड़ियाँ देखी थी कितनी अच्छी थी। एक दो ये बिल्कुल भारी नहीं है। अरे वाह। मैं तो स्टेशन पर पहुंच गया। आज मैं तेज आवाज में बोलूंगा, जैसे उन ट्रेन्स ने किया था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं। मुझे भी वो वाला गाना गाना चाहिए। शक्तिशाली मालगाड़ियाँ बजाओ हमारे लिए तालियाँ। बढ़े चलो एक दो तीन चार। बढ़े चलो। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। टीटीपो, ये बताओ तुम्हारे रूट पर आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं। मुझे पता चला है कि तुम यात्रियों से चिल्लाकर बोले और फिर ऊंचा ऊंचा गाने लगे। कल खदान में मैं कुछ अच्छी ट्रेन से मिला था, मैं बस उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन तुम मालगाड़ी नहीं हो, तुम यात्री गाड़ी हो। अगर तुम ऊंचा बोलोगे या गाओगे तो सब परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन हमेशा चुपचाप काम करने में मजा नहीं आता। मुझे जोश वाला मजेदार काम चाहिए। यात्रियों को लाना ले जाना भी मजेदार काम है। आज के बाद से तुम अपनी आवाज धीमी रखोगे। जी सर। फ्रेट ट्रेन बनना ज्यादा मजेदार है। शायद मैं फिर से खदान में जाऊंगा। मालगाड़ी को काम करता हुआ देखने के लिए टीटीपो खदान की तरफ चल पड़ा। वाह, पता नहीं डीजल कहाँ है। वहाँ पर है डीजल। टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ। लेकिन ये मेरा आज का आखिरी चक्कर है और दूसरों का भी घर जाने का वक्त हो गया। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता था। हे दोस्त। तुम यात्रियों को ले जाने वाली रेल हो ना? मैं? हाँ ठीक कहा, लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम हमें शहर के स्टेशन तक ले जा सकते हो? मैं लेके जाऊँ? हाँ, हमारी ट्रेन खराब हो गई है इसलिए यहाँ नहीं आ सकती। एक दूसरी गाड़ी भी है लेकिन अभी बहुत दूर है। जरूर, मैं आप सबको लेके जाऊँगा। आप सबका। अगर मैं ऊंचा ऊंचा बोलूँगा तो यात्रियों को परेशानी होगी। आप सबका स्वागत है। कितनी अच्छी रेल है। सही कहा। तो चलो चलते हैं। आराम से, धीरे धीरे। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। टीटीपो अपने खास यात्रियों के लिए ज्यादा ही सावधान है। सुरक्षित और आरामदायक हम पहुंच गए।
आखिरकार पहुंच गए। टीटीपो की वजह से मैं आराम से सो पाया। हमें पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अब हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे और जल्दी भी। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो। हाय डीजल। तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ। तुमने उनका समय बचा लिया। हाँ बिल्कुल, यात्रियों को लाना ले जाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझे लगा तुम मालगाड़ी बनना चाहते हो। नहीं, अब नहीं। अपने यात्रियों को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई। पर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। गलत कहा, तुम अच्छे हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सच कहूँ तो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच में? बिल्कुल ठीक। सामान या यात्रियों को लाना ले जाना दोनों जरूरी हैं। टीटीपो, डीजल, तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। चूचू शहर की एक नई सुबह। ओ देखो, डीजल आ गया। डीजल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीटीपो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मैंने सुना तुमने बहुत गलतियाँ की अपने पहले दिन। हाँ, शुरुआत में तो सब गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। सच में? तुम शुरू से ही अच्छे थे। बिल्कुल, मेरे काम का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था। हुआ कुछ यूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ओ, आ गए तुम, कमाल की रेल, डीजल। हाँ, ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ मिस्टर हब। सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला रूट है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। रुकिए सर। कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही याद कर लिया। ओ, कमाल कर दिया, तुम सबसे अच्छे हो। तो अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। जाओ डीजल जाओ, चूचू शहर का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। फिर अपने पीछे मालगाड़ी की लंबी लाइन लेकर मैं बंदरगाह की ओर चल पड़ा। हेलो। हाँ? जरूर वही मशहूर डीजल होगे तुम, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा सामान है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। वाह, मतलब जो सुना था वो सच है, तो लोड करता हूँ। ये एक, ये दो, ये तीन। लो हो गया। मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलता हूँ। बाय, ध्यान से जाना। ये मैं चला। मुझे लगता है ये ट्रेन डीजल है। मैं उसका फैन हूँ। इतना भारी सामान अपने पहले ही दिन खींच कर ले जाने वाली मालगाड़ी सिर्फ मैं ही हूँ। मजा आया? बहुत ज्यादा। आना ही था। तुम्हारी शिफ्ट का समय हो चुका है। ठीक है मिस्टर हब, फिर मिलेंगे, मुझे जाना है। मुझे विश्वास है तुम अपने रूट पर बेहतर करोगे। शुक्रिया। ठीक है, मैं बेहतर कर सकता हूँ। आज मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करूँगा। टीटीपो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोडक्शन प्लांट की तरफ चल पड़ा। तो टीओ, सफर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा और आरामदेह। प्लेटफॉर्म पर रुककर दिखाओ। ठीक है, मुझे धीरे हो जाना चाहिए। मैंने कोर्स पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया टीटीपो। सुनो टीओ, क्या मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं? क्यों नहीं, जितना चाहो उतना कर लो, मैं तैयार हूँ, अब चलो। बढ़िया। टीटीपो ने पूरे दिन प्रैक्टिस की और रात को चूचू शहर लौट आया। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। कभी झटके से मत रुको, हमेशा धीरे हो जाओ। टीटीपो। हाय जीनी। इतनी रात को क्या कर रहे हो? कल तुम्हें काम करना है। हाँ हाँ, और कल मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे, चिंता मत करो। शुक्रिया जीनी, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर सोऊंगा। ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो अब फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसे तो वो बहुत थक जाएगा। ढलान पर कभी तेज मत चलो। टीटी
टीटीपो, तुम्हारे रूट का समय हो रहा है, तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं? ओ, मुझे माफ कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। मिस्टर हब, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देर क्यों हो गई? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा क्या? मैं माफी चाहता हूँ। यात्री इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी करो। ठीक है। अरे नहीं, आज तो दिन की शुरुआत ही गलत हुई। कोई बात नहीं, अच्छा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चलो चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं। मुझे नींद आ रही है। अरे बच्चे, क्या हो रहा है ये? इतनी धीरे क्यों चल रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे झपकी आ गई होगी। टीटीपो ध्यान दो। लो पहुंच गए, रुकने से पहले रफ्तार कम करो। हम स्टेशन पर पहुंच गए। मैं पहले रुक गया, निशान पर नहीं रुक पाया। जरा एक मिनट रुकिए। आप सब उतर सकते हैं अब। मेरे सर में चक्का ही लगाना था तो बता तो देते कम से कम। टीटीपो। हाय दोस्तों, क्या बात है? आ? फिर से गलती हो गई? हाँ, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। फिर से हो गई? कोई बात नहीं, हर ट्रेन से शुरुआत में गलती होती है। सबसे नहीं होती, डीजल ने बताया वो शुरू से ही अच्छा था। ये डीजल? हाँ, दूसरी ट्रेन ने उसकी तारीफ भी की थी। डीजल, तुमने फिर से डींगे मारनी शुरू कर दी? नहीं नहीं, मैं तो टीटीपो, मैं बताती हूँ असल में क्या हुआ था। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओ, ये क्या? डीजल, एक दो तीन चार पाँच, तुम्हारे साथ इतनी सामान गाड़ी क्यों लगी है? बहुत ज्यादा तो नहीं है? अभी तुम बिल्कुल नए हो, इसलिए ज्यादा भार खींचना ठीक नहीं है। मैं संभाल लूंगा, डरिए मत। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम दो ही माल डब्बे लेकर जाओगे। ठीक है सर। हाँ, वैसे इतने ज्यादा भी तो नहीं थे वो। हाँ, वो अंदर गए। ओह, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। मैं चुपचाप निकलता हूँ। वाह, ये बंदरगाह कितना सुंदर है। हेलो मिस्टर क्रेनी, मैं नई मालगाड़ी डीजल हूँ। हाँ, तो काम का पहला दिन है। हाँ, एक मिनट रुको बच्चे। आए, हाथ दो, और हो गया। इतने ही मिलेंगे मुझे? मैं इससे ज्यादा ले जा सकता हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ऐसा है बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ज्यादा ले जा सकता हूँ। सच में? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं रख देता हूँ। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। अब तो खुश हो तुम? पटरी पे ध्यान से चलाना। ठीक है, गुड बाय मिस्टर क्रेनी। गुड बाय, मिलते हैं बच्चे। हाँ, जरूर नया होगा। इतने सारे सामान के साथ तेज चलना खतरनाक होता है। मैं हर काम इतना अच्छा कैसे कर लेता हूँ? अब अपनी रफ्तार को आजमाता हूँ। तो डीजल अपने काम के पहले दिन पर जमीन पर गिर गया था। अगर सही समय पर उसकी मदद नहीं की जाती तो वो दोबारा चूचू टाउन नहीं आ पाता। सच में? ये है सच्चाई। गलत बात डीजल, उस दिन तुमने मुझे वो झूठी कहानी क्यों सुनाई थी? वो मैंने झूठ बोला था, पर ये भी तो सच है कि हम सब पहले दिन गलती करते ही हैं। क्या? मुझे तो याद नहीं। क्या गलतियाँ की थी? वो कहानी मैं सुनाता हूँ।
जीनी के पहले दिन सुबह बहुत बरसात हुई तो पटरियों के आसपास पानी जमा हो गया। जीनी ने ध्यान ही नहीं दिया और कीचड़ उछलकर उस पर लग गया। हेलो दोस्तों। हेलो। हंस क्यों रही हो? मॉम, उस रेल को देखिए, कितनी गंदी है। ऐसे नहीं बोलते बेटे। क्या, इसने कहा मैं गंदी हूँ? हैरानी की बात है। मुझ पर कीचड़ लग गया, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। काश मैं इसे धो पाती। और जीनी अपने कीचड़ वाले चेहरे से इतनी परेशान थी कि वो एक स्टेशन पर रुके बिना ही चली गई। और वो रास्ता भूल गई। ये हम समुद्र के ऊपर कहाँ जा रहे हैं? सीगल, इतनी बड़ी गड़बड़ की थी इसने। तुमने भी तो मेरी बात बताई थी। हाँ, लेकिन मैंने बढ़ा चढ़ाकर नहीं सुनाई थी। पर मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है। ये ठीक नहीं है। तुम तो बोलो ही मत ये सब। बस बहुत हुआ, झगड़ना बंद करो। शुक्रिया दोस्तों। पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम दोनों ने गलतियाँ की होंगी, लेकिन तुम्हारी कहानियाँ सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ टिटीपा। एक बात कहूँ, मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मुकाबला नहीं डीजल। दूसरी रेलगाड़ियों से भी गलती हो जाती है। टीटीपो, मुझे विश्वास है कि कल तुम बेहतर करोगे। टीटीपो का पहला रास्ता। हर सुबह चूचू शहर से रेलगाड़ियां अपने काम के लिए निकलती हैं। एरिक अपनी शिफ्ट पर है, सिंग सिंग जा चुकी है और अब बारी है डीजल की। डीजल। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम जा सकते हो, हमेशा की तरह सावधान रहना। मैं सावधान रहूंगा मिस्टर हब। अब बारी है बूम बूम की। बूम बूम। यह नहीं है, आखिर है कहाँ? बहुत बढ़िया लिफ्ट। थैंक्स। जी मिस्टर हब। बूम बूम का मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्या तुम इसकी लोकेशन ढूंढने में मेरी मदद करोगे? जरूर, क्यों नहीं। तुम तैयार हो? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। जब एक बस टूटे तो आए मिस्टर फिक्स और उसका साथी लिफ्ट लिफ्ट। फंस गए प्यारे, मदद को पुकारे, दिक्कत ज्यादा हो या थोड़ी उसे ठीक करे जोड़ी, दिक्कत ज्यादा हो या थोड़ी उसे ठीक करे जोड़ी। तो चले। जीनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टिटीपा। काम पे जा रही हो? हाँ, मैं काम पर जा रही हूँ। वाह, काश मैं भी ऐसा कर पाता। तुम भी जल्दी काम करने लगोगे, अब मुझे चलना चाहिए। बाय, मजे करना। शाम को मिलेंगे। ठीक है। पता नहीं मुझे मेरा पहला रास्ता कब मिलेगा। अब सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेनी। यात्रियों के लिए डब्बे तैयार हैं। इन्हें जोड़कर जा सकती हो तुम। मैं तुम्हारे लिए जगह छोड़ देता हूँ। हाँ, शुरू करते हैं। तुम्हारा शुक्रिया सेटर। यू आर वेलकम। अपना ख्याल रखना। बाय। मिस्टर हब। ओ फिक्स, बूम बूम का कुछ पता लगा? हाँ, मिल तो गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक हो ना तुम? बूम बूम पटरी से उतर कर किनारे पर गिर गया है। ओहो हो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता मिस्टर हब, पर वो अपना काम करने के लायक नहीं बचा। शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। फिक्स, तुम बूम बूम को ठीक कराने के लिए ले जाओ। मैं ले जाता हूँ मिस्टर हब।
अब मुझे उसकी जगह किसी दूसरे को भेजना पड़ेगा। मिस्टर हब। ओ हेलो जीनी। हेलो मिस्टर हब। अच्छा हुआ तुम आ गई। बूम बूम आज अपने रूट पर नहीं जा सकता, तो क्या तुम उसकी जगह जा सकती हो? मैं माफी चाहती हूँ, मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गया था। लेकिन फिर कौन? ओ, मैं बताऊँ कैसा रहेगा टिटीपो? हाँ, टिटीपो? पता नहीं अभी टिटीपो काम कर भी पाएगा या नहीं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से काम करेगा। बोर हो गया टिटीपो। मिस्टर हब, जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंचाओ। ठीक है। मैं आ गया। तो तुम आ गए। आप मुझसे मिलना चाहते थे? टिटीपो, क्या तुम आज एक रूट पर जा सकते हो? मैं एक रूट पर? हाँ, मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। शाबाश, तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। जी सर। जल्दी से डिपो जाओ, अपने साथ डिब्बे लगवाओ और फौरन निकल पड़ो। जी सर। हेलो। तो तुम हो ना नई रेल? हाँ, मैं हूँ टिटीपो। मेरा नाम है सेटर। मैं इस डिपो में रेलगाड़ी के सभी डिब्बे जोड़ता हूँ। अरे वाह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना ये तुम्हारा पहला दिन है। हाँ। मुबारकबाद, तुम्हारे पीछे मैंने डब्बे लगा दिए हैं। हाँ? शुक्रिया। ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। शाबाश, अब तुम निकल पड़ो। जी सर। अपना अच्छे से ध्यान रखना टिटीपो। शुक्रिया सेटर। छोटा टिटीपो अपने पहले रूट पर चल पड़ा। सुरक्षित सफर करना टिटीपो। जी बिल्कुल, शुक्रिया मिस्टर हब। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। टिटीपो टिटीपो। टिटीपो अपने यात्रियों को लेने के लिए स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लगता है वो देर से पहुंचेगा। ट्रेन आज काफी धीरे चल रही है ना? लो, आगे गाड़ी। पता नहीं लगा इतनी देरी क्यों हो गई। माफी चाहता हूँ। चलो आई तो सही। चलो ठीक है, चलते हैं। अब हम तैयार हैं। चलो चले। मुझे जल्दी करनी होगी। ओ, आगे मोड़ है। ओ, मोड़ पर तेज चलना खतरनाक होता है, इसलिए टिटीपो ने अपनी रफ्तार कम कर दी। ओ, तेज चलना होगा। मैं देर से बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। ओ, अरे ये तो एरिक है। हेलो एरिक। ओ, टिटीपो, क्या ये तुम्हारा पहला रूट है? हाँ, काश बातें कर पाता, लेकिन अभी जाना है। ओ, ये इतनी तेज क्यों जा रहा है? ओ, ये तो पुल है। मुझे पता है पुल पर धीरे चलना चाहिए, लेकिन कोई और चारा नहीं, मैं जल्दी में हूँ। मेरी किताब। चलो चले। मैंने कर दिखाया। और मैं देर से भी नहीं पहुंचा। हम स्टेशन पर पहुंच गए। बहुत ही बुरा सफर था। यहाँ टिटीपो खुश हो रहा था, लेकिन उसके यात्री उससे नाराज थे। मेरा पहला रास्ता अच्छा रहा। अब वक्त है घर जाने का।
मिस्टर हब, मैं वापस आ गया। हम फिर मिल गए। आज का सफर कैसा रहा? मैं बिल्कुल सही समय पर स्टेशन पहुंच गया। एक बात बताओ टीटीपो। जी? तुम भूल गए थे कि पुल पर तेज स्पीड से नहीं चलना चाहिए। ओ, नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता था यात्रियों को देर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेज चला। अच्छा ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ये रूट क्यों दिया? ओ, जी नहीं। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो रूट मैंने तुम्हें दिया वो असल में बूम बूम रेल का था। ओहो, दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेन बूम बूम। लेकिन आज सुबह जब वो पटरी के एक घुमाव पर पहुंचा, ए, मैं धीरे नहीं होऊंगा, बिल्कुल नहीं। वो धीमा नहीं हुआ और तेज ही चलता रहा। और पटरी से उतर गया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा। मुझे सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था, माफ कर दीजिए। उदास मत हो, पहले दिन हर रेल से कोई ना कोई गलती होती है। जानता हूँ। हाँ? ओ? मैं वापस आ गई। हाय टिटीपो। हेलो जीनी। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? देखते हुए कि इसका पहला रूट था, मुझे लगता है इसने काफी अच्छा किया। बहुत बढ़िया टीटीपो। ओ, शुक्रिया। टीटीपो, आज तुमने बहुत काम किया, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही करते रहोगे। क्या इसका मतलब मैं आगे काम कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पर तुम अपने रूट पर हर रोज प्रैक्टिस करोगे। मैं वादा करता हूँ। बाय बाय मिस्टर हब। बाय, आराम करो। छोटी रेलगाड़ियां अपने डब्बे अलग करने के लिए डिपो पर पहुंची। अच्छा टीटीपो, तुम्हें आज डर नहीं लगा? सच कहूँ, मेरे पहिए कांप रहे थे। मुझे भी डर लगा था, लेकिन सब ठीक हो गया। ठीक कहा जीनी ने। शुक्रिया दोस्तों। छोटी रेलगाड़ियों का काम पूरा हो चुका है और अब समय है घर जाने का। गुड नाइट टीटीपो, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट एरिक। घर से अच्छी कोई जगह नहीं। टीटीपो आज अपने पहले सफर पर गया। बहुत बढ़िया टीटीपो।